सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड के यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप बैठकर वेट कर रहे हैं कि कोई आपकी हेल्प करेगा या द पर्सन विल फिक्स योर लाइफ समबडी एल्स देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम सो योर लाइफ हैज इज इन योर हैंड आप लोग इस ग्रुप में आए हैं ये इस बात का प्रूफ है कि आपने यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टर्ड्स योर सेल्फ बिकॉज बींग अ वुमेन आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड के हमारा जो है ज्यादातर हर महिला का हम लोग हमारा पालन पोषण और संस्कार इस तरह के होते हैं कि हम अपने परिवार अपने पति अपने बच्चों उनकी केयर में हम इतना ज्यादा अपना एनर्जी दे देते हैं कि वी लूज ट्रैक ऑफ अर ओन सेल्फ बट हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू कीप आवर कप फुल जो चीज हमारे भीतर अगर नहीं होगी तो हम दे नहीं पाएंगे तो हमारे भीतर जो हमारी हेल्थ का हमारे अंदर जो स्वास्थ्य का जो कप है हमारा वो फुल होना चाहिए देन ओनली वी कैन गिव ऑल द फ्रॉम दैट ओवरफ्लोइंग कप वी कैन गिव लव कंपैशन एंड केयर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर और यहाँ पर इसके साथ साथ इस कैंप के दौरान हम अपने शरीर को थ्रू अंडरस्टैंडिंग या फीमेल एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझेंगे जिससे बेहतर हमें जो है हमारे शरीर के बारे में पता चलेगा एक फीमेल लाइफ राइट फ्रॉम प्यर्टी हमारे हार्मोनल चेंजेस हमारी जो लाइफ है जो एक वुमेन्स लाइफ है इट इज वेरी मच डिक्टेटेड बाय फोर मेजर कॉम्पोनेट्स और स्पेशली आफ्टर फोर्टीज ये और भी ज्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर्स हो जाते हैं जैसे हमारे हार्मोनल लेवल्स जो कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग प्यूबर्टी मैं जब शुरू होता है देर इज अन्फ्लक्स ऑफ हार्मोन्स फॉर द चाइल्ड बर्थ देर इज एनदर इनफ्लक्स देन द मीनो द चाइल्ड रियरिंग होता है लैक्टेटिंग स्टेज होता है देन अदर काइंड्स ऑफ हार्मोन्स देन द मेनोपॉज एंड सो ऑन सो हर स्टेज पर द हार्मोनल लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग अवर हेल्थ अब ये हार्मोन्स जो है अपने संतुलन में रहे उसका जो है निर्भर भोजन पे बहुत ज्यादा है आज ही एट द एंड ऑफ बाय आफ्टर दिस सेशन

हार्मोन्स के बाद हमारा जो दूसरा फैक्टर जो एक लेडीज या वुमेन्स हेल्थ में प्ले करता है वो है हमारा मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म भी हमारा जो है कई चीजों से अफेक्ट होता है हमारी दिनचर्या से भोजन से कुछ ऐसे फूड्स हैं जो स्पीड अप कर देते हैं जिन्हें मेटा इनहेंसर्स बोलते हैं तो उन भोजनों को उन खाद्य पदार्थों को मैं इंकलकेट करूंगी साथ ही साथ द मेजर फैक्टर कहीं भी हो सकती है वो तो इन्फ्लमेशन आर द मेजर फैक्टर्स फॉर इंफ्लुएंसिंग द हारमोन्स एंड ये इनफ्लमेशन ओवर जिसे कहते हैं उससे हमारे जीवन पे जैसे डे टू डे पे तब तक प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि बहुत आगे नहीं पहुंच जाते एंड दिस इज द मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज एंड वेरियस अदर एंड इवन कैंसर आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केर यू बट हमें फिर इस तरह के भोजन अपने खाद्य पदार्थ में लाने पड़ेंगे ये जो दिनचर्या आपकी योग आसन प्राणायाम की है और साथ में जो भोजन होगा वो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स का होगा ताकि इन्फ्लॉशन आपकी जो है धीरे धीरे खत्म हो और आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी और आपकी मोबिलिटी और जो आपके जॉइंट्स जो प्लास्टिक हो गए हैं स्टिफ़न हो गए हैं ओवर द इयर्स दे आल्सो बिकम इलास्टिक और उसके बाद अगला जो पॉइंट दैट अफेक्ट्स हमारा विमेन हेल्थ इज हमने सबसे पहले बात की कि uh, आपका हार्मोनल लेवल मेटाबॉलिज्म इन्फ्लेमेशन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट अनदर इंपोर्टेंट फैक्टर विच इज वेरी क्रूशियल टू अ वुमेन्स हेल्थ इज द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस सिंस चाइल्डहुड बिकॉज़ ऑफ आवर इग्नोरेंस एंड रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स वी कीप ऑन एक्युमुलेटिंग द टॉक्सिंस एंड व्हिच स्टे एंड आल्सो बिकॉज़

उन पर भी हमें ध्यान देना है तवज्जो देनी है कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं चाहे हमारे लंग्स हैं, आप प्राणायाम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा आप अगर वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर से त्वचा से पसीने के रूप में टॉक्सिन्स निकलेंगे और सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपका अगर पाचन संस्थान और ये कहा भी गया है अगर जीवन में आपको सुख की अनुभूति लेनी है तो दो मेन की फैक्टर्स हैं शौच और संतोष यानी कि अगर आपका बाउल मूवमेंट रेगुलर है इट्स लाइक इन टाइम और सिंपल रूटीन में आपका डिटॉक्सिफाई हो रहा है और तो वो आपका बहुत मेजर फैक्टर है आपके हेल्दी रहने का कॉन्स्टिपेशन एंड उससे रिलेटेड फिर एक के बाद एक जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उससे साइकिल ऑफ विशेष साइकिल ऑफ मेनी डिजीजे बिगेन और कंटेंटमेंट जिसे कहते हैं संतोष इफ यूर कंटेंट इन लाइफ लाइफ में कंटेंट होने का मतलब ये नहीं है कि यू स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड हम एक गोल डिसाइड करते हैं जैसे आप लोग यहाँ आए हैं फॉर एग्जाम्पल इफ योअर गोल इज लूजिंग टें टेन के जी आपको लगेगा शुरू में एकदम पहाड़ की तरह की ये तो बहुत बड़ा जो है गोल है और असंभव है लेकिन हमें वो गोल को बड़ा रखना है लेकिन उसके तरफ बढ़ने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना है सिंपल स्टेप्स में जैसे कि वो हमारे स्टेप्स आज से आपके शुरू हो गए हैं योग अभ्यास और आसन प्राणायाम के कल से हमारे शुरू हो जाएंगे डाइटरी रिफॉर्म्स के कि कैसे आपको सुबह से लेके रात तक की डाइट तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है बस आपको ये सोचते हैं कि आज का दिन है वट इज द राइट काइंड ऑफ स्टेप आई नीड टू टेक टूडे ज्यादा बड़ी चिंताओं में बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे तो यूल ओवरवेलम्ड आप घबरा जाएंगे और स्टेप नहीं ले पाएंगे जस्ट थिंक अबाउट सिंपल स्टेप्स जैसे कि दिन शुरू होता है कि आज मुझे क्या क्या करना है एंड जस्ट कंसनट्रेट एंड फोकस ऑन दो स्टेप्स की सुबह योगा करना है फिर प्राणायाम करना है

मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं उनसे जब मैं उनका प्रोफाइल पूछती हूँ वॉट यू डू द द फीमेल्स से आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ एंड देन आई टेल देम प्लीज नेवर से दैट बींग अम मेकर इज द ग्रेटेस्ट जॉब ऑन दिस अर्थ आप कैसे कह कै सकते हैं कि यू आर जस्ट अ हाउसवाइफ दिस इज लाइक ऑल कंज्यूमिंग एंड इट्स अज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नथिंग इज कम्पेयर टू दैट चाहे आप कितने बड़े जॉब प्रोफाइल में हो कुछ भी हो बट रेजिंग अ फैमिली बींग अ होम मेकर सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कभी भी आप ये मत कहिए कि मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूं यू नीड टू नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ आप और सबसे बड़ी बात जो दूसरों की बातें हैं दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं उस पर आपको विश्वास नहीं करना आपको जो है अपना कर्तव्य अपना कार्य और अपने लिए समय चाहे वो प्रेयर मेडिटेशन का रेगुलर समय है अपना चिंतन मनन या स्वयं का अध्याय और अपने आप को जानना मैं तो कहती हूं कि हम लोगों में हर एक व्यक्ति में देर इज अ लॉर्ड ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और हर व्यक्ति यदि अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट में लग जाए अपने आप को देखे अपने आप को सुधारे तो मुझे नहीं लगता कि दूसरों की निंदा करने का समय या दूसरे क्या कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास समय भी बचेगा तो ये छोटी छोटी बातें हैं अब जैसे कि हमने हार्मोन्स की बात करी मेटाबॉलिज्म की बात इसी तरह से जैसे हम जब ट्वेंटीज में होते हैं तो हमारे जो हार्मोन लेवल पीक पे होते हैं इस्ट्रोजन वगैरह और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है विद एवरी डेके मतलब हर दस साल में हमारा टेन परसेंट मेटाबॉलिक रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है कहने का मतलब ये है कि अगर जब आप पचास साल की उम्र में पहुंचते हैं तो आपका थर्टी परसेंट मेटाबॉलिक रेट डाउन हो चुका होता है डिक्रीज हो चुका होता है और अभी जैसे अगर आप यंग एज में टू थाउजेंड लेते हैं वो आपकी बहुत सारी चीजों में एक्टिविटी में और कैरियर uh, में और बहुत सारे कामों में वो स्पेंड होता है लेकिन अगर उस कैलोरीज को आप uh, निरंतर फॉर एग्जाम्पल आफ्टर फोर्टीज और थर्टी नाइन भी अगर कंटिन्यू करते रहते हैं तो अगर मान लीजिए कि आपकी डेलरी रिक्वायरमेंट बारह सौ है और आप दो हजार कैलोरीज ले रहे हैं तो डेली आपको या तो उन कैलोरीज एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करना आता हो और नहीं तो फिर वो कॉन्टिन्यूसली पाइलअप पाइलअप होते होते इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है थर्टी नाइन की एज के बाद लेडीज टेन टू ऑन देयर वेट बहुत ज्यादा वेट जो है बढ़ता चला जाता है क्योंकि यहाँ की फैक्टर क्या है मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है लेकिन डाइट हमने वही रखी है और समटाइम्स तो हमारी रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स हो जाते हैं अब जो फोर प्रॉब्लमेटिक एरियाज एक फीमेल या वुमेन के बॉडी में वो उसको हमेशा सताते रहते हैं वो कौन से फोर प्रॉब्लमेटिक एरिया एक तो लोअर बेली फैट के वो हमेशा ये लगता है कि uh, नीचे का जो हिस्सा है वो हमेशा बल्कि रहता है कैसे उसको कम करें फिर जो हमारे लव uh, हैंडल्स जिसे कहते हैं जो कमर पे जो बल पड़ जाते हैं आ, वहां वहाँ का एरिया हमारे हिप्स हमारे थाइस और हमारे ये जो बाजू होते हैं यहाँ की लूज स्किन जो हो जाती है तो इन सब का जो है ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है और इन सब का जो कनेक्शन uh, है इन सब का कनेक्शन हमारे हार्मोन लेवल पे है फॉर एग्जाम्पल अगर जिनका जो uh, लोअर बैली फैट ज्यादा है तो वो ये दर्शाता है कि उनका इंसुलिन लेवल जो है दैट इज मोर देन द और जिनका ये थाई एरिया और हिप एरिया ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन है दैट मींस कि उनका ईस्ट्रोजन लेवल इज ऑन द हायर साइड इसी तरह से जिनका ये आर्म्स पे लूज हो जाती है जो स्किन एकदम ढीला पड़ जाता है तो वह ये दर्शाता है कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बॉडी में हार्मोन वो थोड़ा रिक्वायरमेंट से कम है तो इस तरह से रिसर्च ने ये पाया कि बहुत सारे हार्मोन्स का जो लेवल ऑफ सिक्रीशन है अगर वो कहीं कम है या ज्यादा है तो उससे हमारी बॉडी शेप निर्धारित होती है और यही डिसबैलेंस पी पीसीओडी और उसमें भी पीसीओएस में वेट गेन करने में और बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स में तो हमें क्या करना है सबसे पहले रूटीन तो आपकी ठीक हो ही जाएगी द डाइट प्लान विच आई एम गोना शेयर विद यू आप लोगों के साथ वो जो है हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है बिकॉज और एक कुछ फ्यू टू थ्री क्वेश्चन में आपको दूंगी आपके ग्रुप में दैट उसको भी आप आंसर करेंगे यू कैन सेंड माई नंबर टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग जितना मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी उतना अच्छे से आई कैन फाइंड द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स इसके अलावा आज जो बात मैं करना चाह रही थी कि हमें सबसे जरूरी बात जो है हमारे शरीर में कहीं इंफ्लमेशन या डिटॉक्सिफिकेशन uh, प्रॉपरली नहीं हो रही है तो इन मुद्दों पे ये सब बातें आएंगी प्राकृतिक चिकित्सा अभी ये आज हमारा पहला सेशन है इन ईच एंड एवरी सेशन आई कम आई ट्राई टू इनकलकेट न्यू टॉपिक सबसे पहले मुझे आपके लोगों की सबकी डिजीजेस के बारे में आपके फॉर्म्स के थ्रू पता चल जाएगा सो so फॉर uh, मेरे से मैं एक-एक लेक्चर -एक में एक-एक पर्टिकुलर डिजीज पे फोकस करके अकॉर्डिंग टू दैट डिजीज क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन है एंड वो उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है उसका क्या कनेक्शन है और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा आप सिटिंग इन द कंफर्ट्स ऑफ योर होम यू कैन डू दोस

और दूसरों का जो सोच है उनके तरीके हैं वो हमारे बारे में कैसे सोचते हैं वो चीजें हम पर बहुत इम्पैक्ट करती हैं साइकोलॉजिकली हम विमेन जो है अंदर ही अंदर जो है उसको अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। तो हमें सबसे पहले इन चीजों को इन जो एनर्जी सकर, एलिमेंट्स है इनको अपनी लाइफ से हटाना है कोई भी ऐसे लोग जिनके साथ आप थोड़ी देर रह के अगर आपको लगता है कि आप बहुत ऑफ हो जाते हैं आपका मूड ऑफ हो जाता है आप आपको गुस्सा आने लगता है तो यू स्टे अवे फ्रॉम देम आप थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाए वॉक पे चले जाए इंस्टेड ऑफ उनको उनके साथ कन्फ्रंट करने और थोड़ा सा आप उस समय अपने किसी काम में प्राणायाम में, में मेडिटेशन में और इस तरह से कुछ मतलब वहां से एनर्जी जो सकर्स हैं जो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं बिकॉज फॉर यू टू बी हेल्दी एंड टू रीगेन योर दैट एप ऑप्टिम शक्ति यू नीड टू बी ऑलवेज कीप योर एनर्जी लेवल हाई वो कैसे रखेंगे आप जब आप माइंड से हेल्दी होंगे यू विल नॉट जो एक इंटरनल टेप चलती रहती है ना हमारे अंदर दूसरों की बातें सुन के यू आर नॉट गुड एनफ तुम तुम तुमसे अच्छी तो वो है वो इतना अच्छा काम कर लेती है वो तो बाहर भी करती है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जिनकी रनिंग कमेंट्री हमारे माइंड में चलती रहती है और उसको ही जब हम सच मान लेते हैं और उसके हिसाब से जीने लगते हैं तो वो बहुत डेंजरस है हमारे लिए तो बी कॉन्शियस कैसी थॉट आपके दिमाग में आ रही है अगर ऐसी आती है, तो उनको हटा के यू बिलीव इन योर सेल्फ यू एवरी वन द पोटेंशियल एंड एवरी वुमेन इज शक्ति so उस शक्ति पर अपनी दिव्यता पर विश्वास रखना है और किसी नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना नहीं तो आपका सारे किए कराई पे पानी फिर जाएगा आपको अगर नेगेटिव कोई फीलिंग आती भी है तो उसको आप पॉजिटिव से कि नहीं आई एम यूनिक आई हैव पावर और यू नीड टू रिक्लेम योर पावर सो और वो उसका रास्ता हम मिल के तय करेंगे और ये जर्नी इट इज ऑल अबाउट अनलॉकिंग योर शक्ति सो विदीज वर्ड्स आई uh, कंक्लूड अभी पांच मिनट है मैंने सोचा क्वेश्चन जो है आपके ले लेती हूँ मैं यदि कोई आपके कोई प्रश्न है तो गो एड एंड uh, uh, आगे जो है आप साधक प्रोफाइल मुझे भर के भेज ही देंगे सो दैट वुड इज एंड डाइट प्लान आई विल पोस्टिंग इन द ग्रुप सो यदि कोई बात है मन की बात आप खुल के मुझसे बात कीजिए और आई आल बी ऑलवेज एयर विद यू सपोर्टिंग यू एंड एनकरेजिंग यू बिकॉज अकेले जो है मुश्किल हो जाता है बट एक दूसरे के सपोर्ट के साथ एक और एक ग्यारह हो जाते हैं एंड यू यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ दैट इज वॉट आई वॉन्ट सो जी बताए कोई प्रश्न यदि मन में है तो हेलो मैम जेम पूनम हैलो पूम गुड टू सी यू मैम 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 थैंक यू मेरे को ना बस एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मैं ना छोटे छोटे जैसे टेंशन ले लेती हूँ छोटे छोटे स्ट्रेस में आ जाती हूँ कभी कभी मेरे को ये थोड़ा प्रॉब्लम है जी ये 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 आपको नहीं सबको ही प्रॉब्लम है ये Haan, जो है जो मैम और जैसे आप मुझे टॉन्सिल्स तो उसको लेके थोड़ा स्ट्रेस में हूं। मन ही नहीं लग रहा कहीं पर भी कब तो ठीक होंगे कैसे होगा ये सब लग रहा है इसके लिए क्या है कि अब आपकी रूटीन बहुत अच्छी होने जा रही है आपको जब आप अपने आपको बिजी रखेंगे आपको सोचने का टहमे नहीं मिलेगा आप सुबह उठे अपना अच्छे से जो भी घर के प्रति कार्य है फिर अपना जो रूटीन अपना जो है करिए आप शाम को योग कर रहे हैं सुबह अपना सैर का नियम बनाइए और आपको मैंने गले के लिए सेक बोली है लपेट बोली है अपने कामों में आप दूसरों के और अपनी ड्यूटी करिए मैं ये नहीं कहती कि आपको ड्यूटी अपना कर्तव्य करना है लेकिन कर्तव्य कर दिया उसके बाद यू नीड टाइम आप सोच के देखिए कि पूरी जिंदगी बिता देते हैं हम लोग सब तरफ ध्यान देते हैं कितना अपने तरफ ध्यान दे पाते हैं वो आपको चेंज करना है और वो आपके ही हाथ में है अपनी सोच बदलनी आपको ही बदलनी पड़ेगी जैसे ही आपको टेंशन होती है उस टाइम आपको आ, कोई भी ये स्वास्थ्य मंत्र सीखा है या कोई आपका फेवरेट मंत्र है अरे आप म्यूजिक सुनते हो जैसे आपको कोई थॉट परेशान अपना फेवरेट कुछ म्यूजिक लगाइए कुछ अपना फेवरेट काम मन का करिए बचपन का कोई ड्रीम होगा सबका कुछ ना कुछ होगा याद करिए उसे क्या था, क्या था बनना चाहते थे क्या एंजॉय करते थे क्या हॉबी होती थी तो उसको फिर से डेवलप कीजिए खुश रहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट या थैंक यू मैम नमस्ते संध्या वेरी गुड टू सी यू हमारी पुरानी शादी का सो गुड टू सी यू यू थैंक मैम यूं बताए संध्या मैम वही हार्मोन्स की प्रॉब्लम ही चल रही है और बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ चार पांच दिन तो मतलब किसी भी चीज में दिल नहीं लगता है क्या प्रॉब्लम आ रही है डिस्टर्बेंस मतलब अब आपका जो है केस जो आपने साधक प्रोफाइल भर के भेजा है मुझे नहीं मैम अब भर के भेज दूंगी अभी आया नहीं हाँ। है मेरे पास तो चलिए तो कोई नहीं अभी बता दीजिए इस समय को भी प्रयोग कर लेते हैं उस तरह से तो ये हो रही है कि की जैसे कि मेंसेस नहीं आते हैं मैनोज हाँ। में हूँ तो मेंसेस तो नहीं आते हैं पर उस समय मतलब एक हफ्ते के लिए या चार पांच दिन के लिए बहुत तो सर में दर्द होने लगता है और कहीं पे भी किसी भी काम में इच्छा नहीं करती है सारे शरीर में बहुत जकड़न हो जाती है एकदम से और फिर अपने आप से शुगर बढ़ जाती है प्रेशर भी मतलब बहुत वाइब्रेट करने लगते हैं और बाकी वैसे मतलब फिर अपने आप अप से सब चीज ठीक होने लगती है कैसे ठीक कैसे होती है हो जाते हैं पीरियड्स अपने आप अप से नहीं मैम पीरियड्स नहीं हो रहे हैं अब तभी पर, तो वही तो कारण है अगर आपकी साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है दैट इज अ साइन के वो फिर जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए वो नहीं निकल रहे हैं इसके लिए मैं फिर आपको प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ चीजें बताऊंगी मैं ये नोट कर लेती हूँ आपकी ये प्रॉब्लम ताकि कल का मैं सोचती हूँ कि पहले तो कल मैं डाइट समझाऊंगी जो मैं डाइट प्लान आज डालूंगी okay, क्यों मैं। है मैंने वो दी है इन चीजें उसके बाद जो है मैं नेचुरोपैथी आपकी जो समस्या है हारमोनल डिस्टर्बेंस क्योंकि पीरियड्स होना बहुत जरूरी है ये पीरियड्स होने का मतलब है कि टाइम इन अगेन हमारा सिस्टम डिटॉक्सिफाई कर रहा है अब वो टॉक्सिंस आपके भीतर ही रह जाते हैं तो दे आर कॉजिंग अ ऑफ प्रॉब्लम तो उनको प्रकृति के रूप से निकालना उसके लिए हम प्राकृतिक चिकित्सा का बताऊंगी मैं आपको ठीक है मैम और कुछ फूड्स बताऊंगी आई हैव नोटेड डाउन या ओके मैम थैंक यू मैम वेलकम और बताएं कोई यदि प्रश्न है तो कमल जी सो नाइस ऑफ यू टू ज्वाइन अस सो गुड टू सी यू सो नाइस नाइस आई ज्वाइन आई लाइक या या और बल्कि आपस में बल्कि मैं आज पता क्या सोच रही थी मैं सोच रही थी टुडे आई विल स्टार्ट विद अन नमो नवकार मंत्र से शुरू करूं तो hmm. so, मैंने कहा पहले आप लोगों से पूछूंगी भाई आप लोग सुनना पसंद भी करेंगे यस यस मैम श्योर हाँ तो Uh, चलो मैं आज यहाँ नवकार मंत्र से एंड कर दू क्वेश्चन नहीं है तो डॉक्टर हाँ तो, uh, मैं डॉली डॉली नारायण आपकी जो भी टॉक्स में सुनती हूँ मॉर्निंग सेशन में वेरी मोटिवेटिंग टू यू नो फॉलो अ

बियर विद माय वॉइस एंड ऑल ठीक है जैसा भी लगे हेणमो आ रि हणमू से था vê sim havai mangalam padamam havai mangalam padamam havai mangalam thank you Thank you, ma'am. Goodbye, everyone. Bye. See you bye. tomorrow. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye bye. Thank you. Thank you, ma'am.